लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था कल, मैग्निफिकेशन देखा था, ये सब देखा था, इमेज कैसे बनती है, कितनी बनती है, ये क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, आंसर आ गए थे इन लोग इनके। ये क्वेश्चन के आंसर निकल गया था दोनों का। सब फर्स्ट वाला बता दीजिए। ओके ठीक है, बक सेकंड हो गया था आपका। यस सर। ओके बाकी लोगों का हो गया था सेकंड, बाकी लोगों का सेकंड हो गया था, फर्स्ट में डाउट है बस। ओके तो ठीक है, यानी सबको जो डाउट है आई थिंक फर्स्ट में ही डाउट है, फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में डाउट है। अच्छा फर्स्ट वाले में आपका जो पहला लेंस होगा उससे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो वो जो इमेज बनाएगा कितनी दूरी का बना रहा है, क्या रहा है उसको, फर्स्ट लेंस से फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इससे दूरी क्या आ रही है हमारी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 10 और 20 के बीच में आएगी। हाँ तो कितनी वैल्यू आ रही है, वैल्यू तो निकाली होगी ना हमने, वैल्यू निकाली नहीं इसकी फॉर्मूला लगा के, लेंस फॉर्मूला। ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, कैसे ट्राई कर रहे थे आप लोग, कैसे ट्राई कर रहे थे इसे? ये ऑब्जेक्ट है आपका। सर, इसमें हमें ये करना है क्या कि जो इमेज बनेगी फर्स्ट वाले से उसको सेकंड वाले का ऑब्जेक्ट लेना है? हाँ वो तो यही करेंगे और क्या, यही तो होगा तरीका, ओके सर, फिर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगी वो सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो उसका डिस्टेंस निकालो बस, तो डिस्टेंस जो भी आएगा देख लेना कहाँ आ रहा है, अगर इस साइड आ रहा है ये इस साइड आ रहा है, जो भी आएगा फिर उसको देख लेना पास से क्या करना है। ठीक है तो अगर इस साइड आया इस लेंस से मान लो तो नेगेटिव ले लेना डिस्टेंस को, अगर इस साइड आ गया वो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ले लेना, वो आपका क्या हो जाएगा इमेज हो जाएगा, सॉरी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका यू आ जाएगा यहाँ से, फिर इसमें एफ आपको पता है तो बी निकल आएगा, इसका वी जो निकलेगा वो फिर देख लेना कि इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज जहाँ बनेगी फिर वो इस लेंस के लिए या तो यहाँ बनेगी या फिर यहाँ बनेगी, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा से फॉर्मूला लगाओगे, फिर जो फाइनल बी आएगा दैट इज द फाइनल बी, तो वो थर्ड लेंस से आप जब लगाओगे तो फाइनल बी आपका आ जाएगा। ठीक है कर लोगे, अच्छा यस सर। ओके। सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया था, कन्वर्जिंग ले डाइवर्जिंग लेंस इंटरसेक्ट ऑन द अदर साइड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इफ यू रिमूव द लेंस पॉइंट कम क्लोजर बाई 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कर लिया होगा ये तो, ऐसे आपका ये लेंस है डाइवर्जिंग रे कन्वर्जिंग है, और ये जाके कहाँ मिल रही है, फिर जाके यहाँ मिल रही है कहीं, कितनी दूरी 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस यहाँ मिल रही है। इफ यू रिमूव द लेंस रे विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर, अगर हम रिमूव कर दें लेंस को तो ये यहाँ कहीं मिलेंगी आके, क्योंकि ये लेंस आपकी, ठीक है तो ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर क्लोजर आ जाती है, तो यानी जो रे एक्चुअली आ रही थी वो यहाँ के मिलना चाह रही थी, लेकिन लेंस लगाने के कारण वो यहाँ के मिल रही है। ठीक है तो आपको बताना इसकी फोकल लेंथ कितनी है, कैसे किया ये? सर वैसे ही जैसे ऊपर वाला बताया कि पहले यू उसका 10 सेंटीमीटर लेके करेंगे। यू जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके ठीक और है वी करेक्ट, 15। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऐसे जा रहा था ये, है ना, तो ये यहाँ जाके मान लो रे यहाँ जाके मिलती तो ये इसका एक्चुअली इंसिडेंट रे यहाँ मिल रही है, अपीयर टू मीट हो रही है, तो ये जो है एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इसमें,
ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये रे हुई क्या एक्चुअली, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से बेंड हो गई, डाइवर्ज कर दिया इसने, डाइवर्ज करके ये जाके मिली और पीछे यहाँ पे। तो जो एक्चुअल इमेज इन रे ने बनाई, वो इमेज बनाई यहाँ पे। इस केस में दिस विल बी अवर ऑब्जेक्ट एंड दिस विल बी द फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा, और ये पॉजिटिव होगा इस केस में, और इमेज डिस्टेंस ये होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपको डिस्टेंस पता है, तो फोकल लेंथ हम लेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, कर लेंगे सब लोग, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें। सर पहले वाले का आंसर सही नहीं निकल रहा है। सही नहीं आ रहा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द थर्ड लेंस लिखा हुआ है, आपका क्या आ रहा है, निकाल लो यार, चलो निकाल लेते हैं। -1/u + 1/v = 1/f। पहले लेंस के लगाते हैं, पहले लेंस के लिए यू कितना है, -30, हो जाएगा -1/-30 + 1/v। तो निकालना है एफ आपका पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1/v = 1/10, या माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इस तरफ जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। LCM 30, 3 - 1 2/30, यानी कि 1/15 हो जाएगा ये, यानी कि V हमारा 15 सेंटीमीटर है। ये V1 आया, मान लो V1 15 सेंटीमीटर आया, यानी कि इस लेंस से भी इस तरफ आएगी कहीं, इस लेंस से जो दूरी होगी उसकी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, इस लेंस से दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी होगी। तो अगली बार जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे -1/u, यू को लिखेंगे +10, +1/v2 हमें निकालना है, एफ इसका नेगेटिव होगा इस बार, -10, -10। तो ये क्या है, -1/10 + 1/v2 = -1/10, तो ये आ गया हमारा 0। तो v2 हमारा 1/v2 0 आया, इसका मतलब v2 कितना आया, इनफाइनाइट। इसका मतलब रे क्या हो गई, रे जो है दूसरे लेंस से टकराने का क्या हो गई, पैरेलल ऐसे चली गई बिल्कुल, इसलिए v2 इनफाइनाइट आया, ठीक है। अब ये इस लेंस पे टकराएगा तो इस पे कहाँ मिलेगा, तो आपको पता ही है, अब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस लेंस पे अगर टकराएगा इसके फोकस पे मिलेंगी रे, ठीक इसका फोकस कितने पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, तो 30 सेंटीमीटर में मिलेंगी, ठीक है। यार कुछ मिस्टेक की होगी कहीं गोविंद, देख लेना एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी कहीं पे, प्लस माइनस का साइन में, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, ओके। चलो अब तो किसी को डाउट नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके गुड, ठीक है। चलो अब जो है हमारे इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे ऑप्टिक, इसी में ही लेंस में ही, जो थे हमारे लेंस कॉम्बिनेशन के, लेंस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन नहीं किया हमने अभी, तो लेंस कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले टॉपिक प्रिज्म पे मूव करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें एक लेंस है, ये इसको यहाँ से काट दिया, मैंने इसका एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट काट दिया। तो पहले तो ऐसे था पूरा लेंस था, अगली बार ये काट के दो पीस बना दिए और इन पीस को ऐसे रख दिया, एक केस में ऐसे रखा, एक केस में उल्टा रखा, ठीक है। एक केस में ऐसे रखा, एक केस में उल्टा रखा। ये कह रहा है कि इस केस में जो फोकल लेंथ थी वो F1 थी, इस केस में F2 थी, दोनों लेंस की मिला के, और इस केस में F3 थी, ठीक है। मैंने आपको नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला बता देता ना, 1/F1 + 1/F2 होता है, यस सर। तो इस केस में आपको ये बताना है कि F1, F2, F3 में क्या रिलेशन होगा, F1, F2, F3 में क्या रिलेशन होगा, ये बताना है।
सर इसमें दोनों कर्व की रेडियस सेम है? सेम है, बाई कॉन्वेक्स सेम रेडियस, ठीक है। क्या हुआ, तो इजी है, स्मूथ करना थोड़ी है, स्मूथ करना थोड़ी है ज्यादा। कहाँ फंस गए? अरे भाई इतना पता क्यों नहीं सोच रहे क्या हो रहा है, हो, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई बड़ा फॉर्मेट थोड़ी लगाना है, सिंपल करना है।
सर F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3/2। ये तो सही है, बट ये वाला F3/2 नहीं आएगा। अरे इतना लंबा क्यों सोच रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। अच्छा सर वही जो लेंस के पार्ट्स हैं उनका फोकल लेंथ 2F होगा अगर F1। ठीक है, फिर तो सर कंफ्यूजन बस इसमें हो रही है कि उसकी डायरेक्शन चेंज की है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने आपको बताया था डायरेक्शन चेंज करने से फर्क पड़ता है। अगर मान लो ये फोकल ये है, ठीक सर है, लेकिन फिर हाफ साइड में तो प्लेन प्लेन बन जाएगा ना वो। चलो देख लेते हैं। मान लो रे एक बार यहाँ से आ रही है और एक बार रे यहाँ से आ रही है, आप कह रहे दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी या डिफरेंट होगी, ये डाउट है ना। जी सर अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/F=μ-1, 1/R, आर तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, -1/∞। तो क्या आएगा ये, 1/F=μ-1/R, ठीक है। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे क्या आएगा, 1/F2=μ-1, 1/R, R क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि पहले ये वाला सरफेस आएगा, -1/R2, R2 क्या आएगा -R, तो ये क्या आएगा, सर तीनों की फोकल लेंथ बराबर होगी फिर तो। तीनों की बराबर होगी भाई, ये आएगा ना 1/F2। तो यानी क्या आ रहा है इससे, दोनों बराबरी तो हैं। मैं वो कहा था कि अगर यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, चाहे आपका ऐसा वाला लेंस हो, अलग अलग रेडियस हो उसकी, चाहे कुछ भी हो, वो आपका सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस केस में फोकल लेंथ जो है दोनों की सेम आएंगी, ये F1 F2 मैंने खैर इसको मान लिया, कुछ और मान लेते हैं इसको, है ना, जो भी होगा। मैंने ये फोकल लेंथ इसकी और इस मैंने इस केस में और इस केस में, केस 1 और केस 2 की है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो फोकल लेंथ हमारी सेम आ रही है, यानी फोकल लेंथ हमारी सेम होंगी। तो यहाँ पर चाहे आप इधर को मानो चाहे उधर को मानो, तो आप चाहे कैसे भी लगाओ, चाहे इसको ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे ऐसे लगाओ, दोनों केस में 2F और 2F ही ऐड होंगे। तो दोनों केस में आपकी 1/2F+1/2F ही होगी फोकल लेंथ, F' जो भी आएगी, तीनों केस में इनफैक्ट, तो तीनों केस में फोकल लेंथ सेम आएगी। क्लियर, यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो इसकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होती है, आप कहते हैं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है या डिफरेंट है, अगर वो डिफरेंट होती तो तब क्या आता आंसर। सर भी सेम ही होते। तब भी सेम आता ना, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट भी होता, R1 R2 होता मान लो, तो मैं काटता, काटने के बाद एक फोकल लेंथ F1 बन जाती है, एक की F2 बन जाती है मान लो काटने के बाद। अब मैंने उनको कंबाइंड किया, कंबाइंड किया तो उनकी फोकल लेंथ तो वही बनेगी 1/F1+1/F2, इस केस में भी वही बनेगी 1/F1+1/F2, इस केस में भी वही बनेगी, तीनों केस में सेम बनेगी। तो अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट भी होता तब भी आपका आंसर सेम आता, तीनों की फोकल लेंथ वुड कम इक्वल। क्लियर, क्लियर हो गया, ये बराबर आएगा, किसी को डाउट इसमें। नहीं है, चलो बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है ना, बाकी लोग भी निकाल पा रहे हैं आंसर।
ओके ठीक है, बता देना कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें ये लेंस में बहुत समझने वाली बातें हैं, अगर आप लेंस मेकर को ढंग से यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसका यूज़ क्या है। ओके ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज विद फोकल लेंथ F1 F2 रिस्पेक्टली, दो फोकल सॉरी लेंस है। अच्छा मैंने पीछे एक चीज़ लिखी थी, आप लोग जब वो कर रहे थे, जब आपके लेंस मान लो कई सारे कंबाइंड हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/F1 + 1/F2 + 1/F3 + 1/F4 = 1/F। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है, और पावर के टर्म में आप लिखोगे तो ये P1 + P2 + P3 + P4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो लेंस के बीच में डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे डी होता है और एयर भरी होती है यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1/F = 1/F1 + 1/F2 - D F1 F2। इस केस में फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है, अगर बीच में गैप होगा। अभी जो हम केस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, जो हमारे लेंस हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। ठीक है इसमें बच्चे गड़बड़ी करते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर फोकल लेंथ ये आ गई। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं मैं इन दोनों लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लूंगा, और इससे फिर मेरा ऑब्जेक्ट मुझे पता है कहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं उससे आंसर निकाल लूंगा, वी निकाल लूंगा, फिर मैं इस वाले लेंस से निकाल लूंगा। ऐसा होगा नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब आप इन दोनों लेंस का वी निकालोगे, इन दोनों लेंस का वी निकालोगे सॉरी फोकल लेंथ निकालोगे, तो इन दोनों के फोकल लेंथ से आपने मान लो निकाल लिया फोकल लेंथ फॉर्मूला लगा के, तो फोकल तो आ जाएगा, फोकल लेंथ कितनी हो तो आ जाएगी। लेकिन जब आप मान लो यूज करोगे 1/U + 1/V = 1/F - 1/U + 1/V = 1/F, तो उससे वी आएगा। अब वी कहाँ से लोगे भाई, एक लेंस आपका ऐसे है और एक लेंस ऐसे है ना, अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब वी कहाँ से लोगे, मान लो वी आ गया कुछ 20 सेंटीमीटर, इस केस में खैर इन्फिनिटी आ रहा था तो केस ही अलग है, लेकिन मान लो बी आया था 20 सेंटीमीटर, तो कहाँ से लोगे बी, यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, इसके मिडल से लोगे, कहाँ से लोगे, है ना। तो आप इस केस में यूज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को आगे, है ना, इस केस में आगे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ से लेना है मुझे। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कि इनकी जो फोकल लेंथ आती है तो इक्विवेलेंट जो लेंस इनका बनेगा उसे रखेंगे कहाँ पे, तो इक्विवेलेंट लेंस हम रखेंगे कहाँ पे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो वो आपके सिलेबस में क्योंकि है नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ाते उसे, तो वो आप बना सकते हो फॉर्मूला क्या होगा इक्विवेलेंट का। तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान रखना कि बच्चे जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे ये फॉर्मूला पढ़ते हैं वो लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ फंस जाओगे आपकी, उस लेंस को मैं रखूँ कहाँ पे, उससे वी कहाँ से लूँ, ठीक है। समझ में आ गई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें अगर लगाओगे तो, है ना, क्लियर हो गया सबको कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी, लगाना नहीं लगा सकते आराम से, ठीक है। तो अब आपके ये क्वेश्चन है कि दो लेंस हैं, फोकल लेंथ F1 F2 फॉर्म एन इमेज, टू लेंसेज विद फोकल लेंथ F1 एंड F2, इसमें लिखा नहीं हुआ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, अभी देखेंगे क्या लिखा है। एक ऑब्जेक्ट है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्म एन इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब तो हो गया, ये तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया, यू आपका इन्फाइनिट हो गया। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाते हैं वो बनाते हैं, इमेज बनाते हैं 30 सेंटीमीटर व्हेन लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, तो लेंस कॉन्टैक्ट में अगर होते हैं, तो व्हेन लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, मैंने तो दूर बना दिए लेकिन कॉन्टैक्ट में बोल रहा है वो, कॉन्टैक्ट में होते हैं ऐसे इमेज बनाते हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं द पोजिशन ऑफ द इमेज शिफ्ट 30 सेंटीमीटर, पोजिशन ऑफ द इमेज शिफ्ट 30 सेंटीमीटर टूवर्ड लेंस, किस केस में टूवर्ड लेंस, व्हेन व्हेन दीज आर सेपरेटेड, दीज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसको देखो ट्राई करके कैसे हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 इज हाउ मच,
F1 एंड F2 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है? पहले केस में लेंस कांटेक्ट में है और दूसरे केस में ऐसे हैं। सर इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिर 0 हो गई किस केस में, फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में। सॉरी नहीं, 0 क्यों होगा, इनफाइनाइट होगा ना इसमें भी। सर इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस शिफ्टेड 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस। आप ये मान सकते, टुवर्ड द लेंसेज बोला इसमें है ना, तो आप ये मान सकते हो कि पहले कितना बनाया था ना, इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लूँ, कुछ मेरा डाटा गलत तो नहीं दिया आपको? एक मिनट यार, इसमें एक गड़बड़ी है। पहला पहला वाला जो वैल्यू है वो 60 है, दूसरी वाली 30 है, जो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये 60 है यार, सॉरी। ये 60 है, ये तो 0 हो जाएगा, सही बोल रहे थे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर आपने पहले फॉर्मूला क्या बताया था, अगर डिस्टेंस भी सेपरेट हो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। ठीक है ना, माइनस डी बाय F1 F2।
कर दीजिए, साइन वगैरह थोड़ा गलत हो रहा है। अच्छा ये बाकी लोगों का भी निकल पा रहा। फॉर्मूले तो वही है, इसमें 1/f1 + 1/f2 यूज करेंगे पहले तो। वो आपका कितना दिया हुआ है पहले केस में क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज जो बन रही है, सॉरी पहला केस ये है। तो इमेज जो बन रही है यहाँ पे बन रही है, तो ये फोकस पे होगी एक्चुअली। तो ये फोकल लेंथ आपकी जो है वो 60 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, 60 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 1/f1 + 1/f2 तो 60 है। अब दूसरी क्वेश्चन जो मेरी बनेगी वो क्या बोल रहा है, पोजिशन ऑफ द इमेज शिफ्टेड 30 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस जब उनको सेपरेट हमने किया 10 सेंटीमीटर। तो इसके इसमें जो फोकल लेंथ होगी 1/f1 + 1/f2 - d, 10 सेंटीमीटर सेपरेट किया तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, f1 f2। ये जो फोकल लेंथ होगी ये हम कितना ले सकते हैं, हम 30 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं दिया कहाँ से लेनी है क्या लेनी है, टुवर्ड द लेंस शिफ्ट बोला है इसमें। अगर टुवर्ड द लेंस शिफ्ट बोला है तो हम मानेंगे कि इक्विवेलेंट लेंस के टुवर्ड शिफ्ट है, तो हम 130 इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, अब ये दो इक्वेशन है और ये मुझे सॉल्व करनी है, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। अब आप सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो 1/f1 + 1/f2 की, पहले वो आपकी 1/60 है, तो ये 1/60 - 10/f1 f2 = 1/30 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -10 f1 f2 = 1 बाय, कितना था, 30 - 1/60 हो जाएगा, 1/30 - 1/60। एलसीएम ले लो, 2 - 1/60 - 1/60। तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो f1 × f2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आ रहा है -600। ठीक है, अब पीछे वाली इक्वेशन आप देखोगे 1/f1 + 1/f2 कितना है, 60। तो यहाँ से उसको ट्राई करते हैं, 1/f1 + 1/f2 = 1/60 था। तो यहाँ से अगर हम करें f1 + f2 = 1/60, तो यहाँ से मेरा आ गया, अब मेरा ये कितना है, ये 600 है, मेरे को पता है। तो मैं लिख सकता हूँ f1 + f2 = -600/60 विच इज़ -10। तो यानी मेरा f1 + f2 -10 है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 600 है। तो मेरे ख्याल से किसका हो सकता है, ये निकाल के देख लो, या तो सम आना चाहिए 10, क्या हो सकता है 50, 60 और 50 करके देख लो, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 600 आना चाहिए ना प्रोडक्ट। 600 प्रोडक्ट आने का मतलब 30 और 20 अगर लें तो 30 20 कितना होगा, 10 हो सकता है, और उनका प्रोडक्ट 600 आ सकता है। तो यानी वैसे सॉल्व करके देख सकते हो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्ट करना चाहूँगा तो मेरे ख्याल से इसको मैं अगर -30 ले लूँ और इसको 20 ले लूँ तो इनका सम -10 आ जाएगा और प्रोडक्ट -600 आ जाएगा। तो यानी एक फोकल लेंथ में -30 है, एक 20 है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक से आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, मैंने समझ में आ गया। गोविंद कहाँ फंस रहे थे साइन में आप, इसमें साइन कैसे कर तो पढ़ेंगे नहीं। सर बिल्कुल सही किया था, लेकिन आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, क्वाड्रेटिक पे हो गए थे गुम, वरना अच्छा आप तक तो बिल्कुल सही कर लिया था। अच्छा यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ क्वालिटी, सॉरी क्वालिटी में फंस गए थे, यहाँ पे जो बनेगी फाइनली। अच्छा मतलब मैंने ये निकाल लिया था f1 f2 = -600 और 1/f + के 1/f2 = 1/60, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में मतलब वो घर अच्छा चार वाला अच्छा फॉर्मूला नहीं होता, वो लगाना पड़ रहा था। तो वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। एनीवे खैर जो भी है, ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो यार ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, है ना, f1 + f2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी कर सकते हो। चलो ये एम्स का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है फॉर्मूला तो सेम है, बस आपकी स्किल चेक कर रहे हैं वो कि आप स्किल से लगाते कैसे, अप्लाई कैसे करते हो। कई जगह आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चेक करते हैं, कई जगह आपकी स्किल चेक करेंगे।
मैं तो न्यूमेरिकल चेक कर रहा था। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन है इसके बाकी हमारे पास। नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस आर सेम फोकल लेंथ, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंथ। सेम एफ इक्वल टू, सेम एफ इक्वल टू इनका है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टैक्ट, तो एक कॉन्टैक्ट में है टू फॉर्म अ लेंस कॉम्बिनेशन, तो लेंस कॉम्बिनेशन बन जाएगा। द कॉम्बिनेशन जो है इसको यूज़ किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट का है, जिसकी हाइट ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये लेंस कॉम्बिनेशन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। यूज 20 सेंटीमीटर, तो ये बताना है आपको जो इमेज बनेगी इसकी, इमेज वो कैसी होगी, इमेज माने मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट या मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, किस तरह की इमेज बनेगी। करिए तो इरेक्ट बनेगी और मैग्निफिकेशन वन। गुड, बाकी लोगों को समझ में आया ना? सर मेरी फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट आ रही है। हाँ, फोकल लेंथ जो आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, तो ये कैसे बिहेव करेगा फिर? एक प्लेन लेंस की तरह। प्लेन स्लैब की तरह बोल सकते हैं ना, ग्लास स्लैब की तरह, तो ये ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअली ऐसे होगा ना, एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्केव लेंस आपने अगर मामला ऐसे रख दिया कॉन्टेक्ट में, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, तो और सेम फोकल लेंथ वगैरह के, तो ये पूरे गिलास के अगर हैं सेम मटेरियल के, तो ये पूरा ऐसा स्लैब टाइप की बन जाएगी, एक पैरेलल ग्लास वाली, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी इनफाइनाइट आ रही है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ रही है इस केस में, फोकल लेंथ इनफाइनाइट अगर आ रही है तो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, ग्लास स्लैब मैग्नीफाइड तो करती नहीं कुछ, सिंपल जो ग्लास स्लैब होती है तो कोई मैग्नीफिकेशन नहीं करती, और इमेज आप जो आपकी रेज होंगी वो भी आपकी केवल लेटरल शिफ्ट हो जाएगा बस, इन्वर्टेड वगैरह तो नहीं होगी इस केस में, तो जो इमेज होगी वो इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफिकेशन विल बी वन, इरेक्ट एंड सेम साइज, इरेक्ट एंड सेम साइज, क्योंकि केस आपका बन गया पैरेलल ग्लास स्लैब का, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला है आपका वी बाई यू वाला मैग्नीफिकेशन के लिए, तो प्लस वी बाई यू यूज करते हैं आपने, प्लस बाई वी बाई यू अगर आप लगाओगे उसमें, आप एफ वगैरह की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करोगे तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, ये भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मैं लिख देता हूँ सीधा ही, -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट, ए और बी जो है कॉन्टैक्ट में है। द कॉम्बिनेशन फॉर्म अ रियल इमेज, कॉम्बिनेशन फॉर्म अ रियल इमेज 3 टाइम्स
रियल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज थ्री टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ लेंस बी इज कॉनकेव, लेंस बी इज कॉनकेव, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, माइनस प्लस देख लेना क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आपको बताना है कि लेंस ए जो है वो क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है। सर वो होगा तो कॉनकेव, कैसे पता चला आपको? सर अगर वो कॉन्वेक्स होता तो फिर प्लेन ही बन जाता। प्लेन तो तब बनता है अगर दोनों की फोकल लेंथ बराबर अच्छा होती नहीं, है। फोकल लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। अलग भी तो हो सकती है, बिल्कुल। सर कॉन्वेक्स है विद +6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। थोड़ा सा गलत है बस, बाकी तो ठीक है। कॉन्वेक्स इज करेक्ट, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन मेरे ख्याल से 5 लिखा होता है यहाँ पे, कहाँ गया? नहीं ठीक है, 6 ही है यार। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे किया? इक्वेशन बनाई, फिर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है V/U उसको यूज किया। ओके ठीक है। तो यहाँ पे U तो मैं पता, -10 है, V नहीं पता कितना है।
तो मैग्निफिकेशन भी नहीं पता मैं कितना है यहाँ पे। सर इतना ही आ रहा है आंसर। यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन भी या तो +3 होगा या -3 होगा। सर 3 टाइम्स दिया है तो प्लस ही होगा नहीं माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ऐसे बन गई तो ये भी मैग्निफाइड है 3 टाइम्स है बट इन्वर्टेड है ना। तो मैग्निफिकेशन कैन बी बोथ प्लस और -3, इसमें लिखा नहीं हुआ कुछ ऐसा, या तो आप कहीं से गैस लगा लो तो बात अलग है, अदरवाइज आप बोल नहीं सकते। अरुण हेलो। ना सर। वैसे हम लोगों को ना क्या हाँ कहते हैं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव में लेना चाहिए, क्योंकि सर रियल इमेज हमेशा लेंस के केस में नीचे बनती है। हाँ बोल सकते हो कि रियल इमेज जो होता है उसमें नेगेटिव होता है, क्योंकि रियल इमेज में दिया हुआ है ना, तो वहाँ से आप गैस लगा सकते हो, क्योंकि वर्चुअल इमेज होती तो फिर अलग बात होती। ठीक है, तो इसलिए हमें -3 लेना चाहिए क्योंकि रियल दिया हुआ है यहाँ पे। इस 3 से नहीं बोल सकते आप कुछ कि 3 से क्या होगा। ठीक सर है, आंसर बस +6 गलत आना चाहिए फिर तो। देखते हैं गलत आएगा उससे, चलो देखते हैं। वी इक्वल टू -10 होगा फिर आपका यहाँ पे यू, तो अगर आप प्लस सॉरी -3 देते हो तो वी आपका 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर। अगर आप माइनस लेते हो वी 30 आया, अब वी 30 आया तो नेट फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1/-1/u यानी कि -10 +1/v यानी कि 30 इक्वल टू 1/f, ये आपका एफ नेट है विच इज 1/f1 +1/f2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहाँ से कितना आया हमारा 1/30 +1/10, एलसीएम आ जाएगा 30 4/30, दिस इज योर 1/f1 +1/f2। f1 आपको पता है -30 है, f2 आपको निकालना था, इसको यहाँ ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा 4/30, अब +1/30 इक्वल टू 1/f2 इक्वल टू 1/f2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम 30 है तो 5/30 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/6, तो f2 इक्वल टू 6। सही तो आ रहा है, गलत कहाँ आ रहा है? ठीक है, सही है ये, गलत नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव। अरे अगर सर क्या सिक्स कहते हैं, आंसर तो मैंने नेगेटिव के हिसाब से किया है। अच्छा फिर यस सर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे तभी +6 आ रहा है। तभी तो आ रहा है। हाँ तो नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी ना, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बनेगी, उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। प्रिज्म लिख रहे हो? सर, प्रिज्म कराओगे आप? हाँ पहले वो कर लेते हैं, इसमें एक और थोड़ा सा रह गया है, डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है एक, वो देख लेते हैं फिर प्रिज्म पे आते हैं। किया है आपने प्रिज्म? सर किया तो है ऐसा, किया तो है मतलब ढंग से नहीं किया? मतलब सही से किया, लेकिन जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया वो कर ही नहीं पाए। अच्छा चलो एक बार दोबारा देखते हैं। प्रिज्म पर ही आया था नीट 2020 में। ओके चलो देख लेंगे उसे भी, अभी आएगा तो। ये कर लिया, नोट कर लिया, चले आगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड पोजिशन ऑफ इमेज, कॉन्जुगेट इमेज भी बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट पॉइंट, और इससे जो रिलेशन निकल के आता है उसे हम न्यूटन रिलेशन भी बोलते हैं, न्यूटन्स रिलेशन। न्यूटन जी यहाँ भी थे ऑप्टिक्स में।
ठीक है। इसमें होता क्या, देखो आपने अभी जो लेंस पढ़ा तो आपने देखा कि जो आपका लेंस है, इससे अगर मेरा ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो मेरी इमेज वी डिस्टेंस पे यहाँ बन जाती है। अगर ये यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो मेरी इमेज यहाँ पे वी डिस्टेंस पे बन जाती है, ठीक है। अगर मैं उल्टा करता, मान लो अगर मैं बोलता कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज ये बनती सिमेट्री से, इसकी इमेज ये बनती सिमेट्री से। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा लेंस मान लो इस ऑब्जेक्ट से वी डिस्टेंस की दूरी पे होता, इस ऑब्जेक्ट से वी डिस्टेंस की दूरी पे होता तो मेरी इमेज यू डिस्टेंस की दूरी पे बनती है ना। आपके यहाँ मैग्निफिकेशन हो सकता है, कुछ और चेंज होके कुछ और आ जाए, बट इमेज अब की बार ये जो है ऐसे बनेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सिमेट्री यस सर। से ऐसे होगा, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होता है कि कई बार वो ऐसे बोलता है कि आपकी ऑब्जेक्ट फिक्स है और स्क्रीन फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है और स्क्रीन फिक्स है, आपको लेंस को मूव कराना है। तो बोलेगा कि लेंस जब एक बार यहाँ पे था मान लो, तो इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज आपको ऑप्टेन हुई, फिर आपने मूव किया तो फिर एक बार आपको दोबारा ऑप्टेन हुई, जबकि लेंस यहाँ पे था, जबकि लेंस यहाँ पे था तो आपको दोबारा स्क्रीन पे इमेज ऑप्टेन हुई। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक्स था, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक्स था, और आपको स्क्रीन के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दे देगा कि ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डी है, ये आपकी स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है, और आप लेंस को मूव करा के इमेज बनाना चाह रहे हो, तो आपको दो पोजीशन में आपको इमेज मिली स्क्रीन पे, ठीक है, दो बार मिली आपको। तो केस क्या होगा, वही हुआ होगा, एक बार यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक यू रहा होगा तो ये वी रहा होगा, जब ये वी हुआ होगा फिर ये यू हुआ होगा, तो वी प्लस यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट है, वो डी के बराबर होगा। जो वी प्लस यू होगा, दोनों केस में वी प्लस यू आ रहा है, वो डी के बराबर होगा। तो ऐसे दो केस बने होंगे ये, यानी कि जो मेरा लेंस था, यानी कि जो मेरा लेंस था उसमें पहले क्या था कंडीशन, ये यू था मान लो और ये वी था और यहाँ इमेज बन रही थी। अब क्या हो गया, मेरा लेंस यहाँ पे जब आया तो ये वी हो गया और ये यू हो गया, वी हो गया ये यू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूं, ये मेरा एक्स, ये मुझे पता होगा क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट जब कर रहा हूँ तो मैं सब मूव कर रहा हूँ, मुझे पता होगा मैंने कितना मूव किया है, मुझे पता होगा मैंने कितना मूव किया है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस केस में आप इक्वेशंस बना सकते हो, दोनों केस में अलग अलग, दोनों केस में आप अलग अलग इक्वेशन बना सकते हो। -1/u + 1/v = 1/f अगर आप यूज करोगे, -1/f अगर आप यूज करोगे, तो फोकल लेंथ तो सेम है आपकी दोनों केस में, फोकल लेंथ सेम है। एक केस में आपका जो डिस्टेंस होगा, एक केस में जो डिस्टेंस होगा वो उसको यू मान लो, अगले केस में उसे यू प्लस एक्स मान लो, एक में यू मान लो और एक में माने माइनस यू आएगा, इनफैक्ट अगले केस में जो होगा आपका डिस्टेंस वो माइनस यू और प्लस एक्स, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसमें एक्स ऐड हो जाएगा यू के साथ। एक बार ये मान लो यू को, एक बार ये पुट कर लो, ठीक है। ऐसे आप वी को पुट कर सकते हो, आपको वी की वैल्यू पता है, तो वी की वैल्यू पहले केस में जो है आप मान सकते हो कि पूरा डी माइनस यू मान सकते हो, एक केस में वैल्यू, एक केस में डी माइनस यू मान सकते हो और एक केस में एक्स और आ जाएगा उसमें वो मान सकते हो। तो आप दोनों केस में मैंने वैल्यू पुट कर सकते हो, कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ। या आप ये बोल सकते हो कि ये आप ये बोल सकते हो कि मैं दोनों केस में अगर इक्वेशन बनाऊं तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फोकल लेंथ दोनों केस में निकालोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे और फोकल लेंथ निकालोगे, तो आपकी जो फोकल लेंथ आती है वो फाइनल फॉर्मूला आता है d² - x² / 4d। आप चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हो खुद ही, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं न्यूटन रिलेशन, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स रिलेशन, इसको हम न्यूटन रिलेशन बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जो पॉइंट आए हैं ये सिमेट्रिक हैं, एक बार यहाँ से डिस्टेंस यू था और यहाँ से वी था, अगली बार वहाँ से वी हुआ वहाँ से यू, तो जो पॉइंट आपके आते हैं दोनों पॉइंट, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स।
जिस पॉइंट पे आपकी दोनों इमेज यहाँ पे दीवार पे आपको इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, तो वी कैन से दिस इज कॉन्जुगेट पॉइंट्स, इनको हम कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये आप प्रूव कर सकते हो। दूसरी केस, दूसरी बात, अगर आप इसमें मैग्नीफिकेशन वगैरह निकालना चाहो, अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालना चाहो दोनों केस में, और मैग्नीफिकेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मान लो पहले केस में मैग्नीफिकेशन M1 है, दूसरे केस में M2 है, तो दोनों के जो प्रोडक्ट का स्क्वायर आएगा वो आपका, जो प्रोडक्ट का स्क्वायर आएगा आपका वो क्या आएगा, वो आपका अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो क्या आएगा, I1/O और I1/O-V/U, एक बार V/U आएगा और एक बार U/V आएगा। साइन तो आप देख लो ना क्या आएगा, साइन के साथ देख लेना, एक बार U/V आएगा तो ये कितना आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है दोनों केस में, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो आपका 1 आता है, M1 M2 = 1। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में मान लो इमेज की हाइट I1 थी और ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी O मान लो, दूसरे केस में ये I2 थी, ऑब्जेक्ट हमारा O था, तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1, यानी कि I1 I2 जो आ रहा है इट इज कमिंग O स्क्वायर, यानी O जो आ रहा है मेरा √I1 I2 आ रहा है, O मेरा जो है √I1 I2 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में कई बार ऐसा पूछ लेता है आपको, बोलता है कि जब आपने दो बार ये इमेज ऑप्टेन करी तो आपकी जो इमेज ऑप्टेन हुई उसमें इमेज की हाइट एक बार मान लो कुछ थी 5 सेंटीमीटर और एक बार थी मान लो 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी, तो 5 × 10 = 50 कर लेंगे, उसका रूट कर लेंगे तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये रिलेशन है, तो आपके तीन रिलेशन यहाँ पे निकल रहे हैं, एक तो फोकल लेंथ निकल रही है, सॉरी सर एक बार दोबारा से बता दीजिए, कुछ समझ में, तो नेटवर्क बेकार आ रहा था तो मेरा बंद ही हो गया था, अच्छा पूरा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा बता दीजिए। ठीक है, ओके तो अभी पहले मैं लास्ट में खत्म कर लूँ, मैं कह रहा था कि एफ हमारा जो होता है फोकल लेंथ, इसमें एक तो हमें फोकल लेंथ निकालनी होती है और एक ये ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है ये निकालना होता है, और ये रिलेशन वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैं ये कह रहा था इसमें कि आपने जब ऑब्जेक्ट को यू डिस्टेंस पे रखा लेंथ से तो आपको इमेज वी पे मिली, अगर आप सिमेट्री से देखोगे तो अगर आप वी डिस्टेंस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपको यू पे मिलेगी। ठीक है, इमेज आपको यू पे मिलेगी, ये I1 है मान लो, ये हमारी I2 है, ऑब्जेक्ट तो आपका दोनों केस में सेम है। ठीक, अब क्या होता है ये केस जो बन रहा है, अगर मान लो मैं ऐसा, मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उससे डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन होती है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा और इससे डी स्क्रीन पे क्या है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है डी डिस्टेंस पे, तो मैं क्या करता हूँ इस लेंस का यूज़ करके मुझे इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो मैं इस लेंस को आगे पीछे मूव कराता हूँ और देखता हूँ मेरी स्क्रीन पे इमेज कब बन रही है। तो मेरी स्क्रीन पे इमेज मान लो जब लेंस यहाँ पे था तो स्क्रीन पे इमेज बनी एक बार, फिर जब मैंने दोबारा इसको मूव किया तो दोबारा इमेज बनी, दो बार इमेज बनेगी, दो बार इमेज बनेगी, तो दो बार जो इमेज, दो बार कैसे बनेगी? दो बार इसलिए बनेगी क्योंकि देखो ये केस है ना, मान लो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, U+V है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूँ इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मैं वी डिस्टेंस पे ला रहा हूँ तब भी बन रही है, तो यानी अगर दो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं सेम रखूँ तो लेंस की दो पोजीशन के लिए मेरी इमेज बन सकती है दो बार। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी इमेज कब बन रही है, तो दोनों केस में मान लो मैंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एक्स किया, लेंस को मैंने एक्स मूव किया और मेरी इमेज दो बार बनी। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ -1/U + 1/V = 1/F, तो मुझे पता है एक केस में मेरे को यू लेना पड़ेगा, एक केस में मेरे को U-X लेना पड़ेगा, ऐसे मेरे को वी भी पता है क्या लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसमें से एफ निकाल सकता हूँ अपना, तो मेरा जो एफ आएगा फोकल लेंथ आएगी वो इतनी आती है D²(-X²)/4D, इसको निकालना एक बार आपके लिए प्रैक्टिस है, तो फोकल लेंथ जो आएगी लेंस की वो इतनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, मुझे डी पता होता है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, और एक्स मैं मूव कराता हूँ उससे निकाल लेता हूँ कितना मूव कराया मैंने लेंस को इमेज बनाने के लिए, तो वहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। दूसरी बात ये होती है इसमें मैग्नीफिकेशन निकालूंगा M1 M2, तो एक बार V/U आएगा एक बार, और एक बार U/V आ जाएगा, क्योंकि एक बार वो V U हो गया और UV हो गया, इनका जब प्रोडक्ट मैं करूँगा तो ये 1 आएगा, प्रोडक्ट 1 होने का मतलब अगर मैं इसको हाइट ऑफ द
इमेज वन बाय ऑब्जेक्ट, एम वन क्या होगा आई वन बाय ऑब्जेक्ट, और एम टू क्या होगा आई टू बाय ऑब्जेक्ट, आई टू बाय ऑब्जेक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा वन। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करूं आई वन आई टू तो ये कितना आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की हाइट का स्क्वायर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू। तो यानी अगर आपको दो इमेज की हाइट पता है इस केस में, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड में अगर आपको दो इमेजेस की हाइट जो आपकी इमेज बनी है पता है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू कैन ऑलवेज फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके सर। ओके, तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस पे बेस भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे बेस भी कभी कभी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे मूव करते हैं प्रिज्म की तरफ। ये बेसिकली कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा आते हैं। आई थिंक आपको सिलेबस में तो शायद नहीं है ये, इसमें सीबीएसई वाले में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कंपटीशन में आ जाते हैं। चलिए, तो प्रिज्म क्या होता है आपको पता है? प्रिज्म जो है हमारा, हम बोलते हैं कि एक, वी कैन से कि ये जो है आपका डिफरेंट सरफेस से घिरा हुआ एक बॉडी होता है, डिफरेंट सरफेस से, इसमें कई सारे सरफेस होते हैं, उनसे घिरा हुआ एक बॉडी होता है, और ये जो सरफेस होते हैं ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, उनसे घिरा हुआ होता है, और ये जो होता है वो रे को अपने से पास होने देता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। वी कैन से ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, जो कि बाउंड बाय द डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, बाउंड बाय द डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो हमारे डिफरेंट प्रिज्म होता है, ठीक है। तो प्रिज्म में अगर आप देखेंगे, ग्लास डिफरेंट यूज कर सकते हैं, वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लासेस, तो अकॉर्डिंगली आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट, अकॉर्डिंगली आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट। अब क्या होता है कि मान लो कोई प्रिज्म है और उससे आपने कोई रे पार करी, कोई प्रिज्म है उससे आपने कोई रे पास करी, तो आपको निकालना पड़ता है इसमें कि ये रे कैसे बाहर निकलेगी, कहाँ पे निकलेगी, इसका डेविएशन कितना होगा, वो सब हमें निकालना है। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, आपने रे ऐसे पास करी, इस सरफेस पे डाली, मान लो फर्स्ट सरफेस पे, तो ये रे क्या होगी, ये रे यहाँ से बेंट होगी, और क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होगी। तो पहले इसका नॉर्मल बना लें, इसका नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ऐसा बनेगा, इस सरफेस पे नॉर्मल, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, तो रे मेरी फाइनली यहाँ से बेंट होकर बाहर निकल गई। तो दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमरजेंट रे। अब जो दो सरफेस पे टकराई है, इस सरफेस और इस सरफेस, इस सरफेस को जो ज्वाइन करेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं इसे आई, और ये हमारा एंगल ऑफ सरफेस रिव्यू हुआ। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि सर आपने आप बोलना बंद कर देते हैं या नेट प्रॉब्लम है? सर नेट में प्रॉब्लम होगी, बोलना तो बंद नहीं किया, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर यस सर अच्छा, प्रॉब्लम आ रही है बाकी बच्चों को? कहां से प्रॉब्लम आई, प्रिज्म से आई या लेंस से आनी शुरू हो गई थी? सर ये प्रिज्म 5 2 3 मिनट पहले से स्टार्ट हुई है। अच्छा, 2-3 मिनट पहले से स्टार्ट हुई है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक ले लो, तब तक 1 मिनट का।
ओके हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को साफ? यस सर। यस सर। ओके चलो अब देखते हैं, आई थिंक अब साफ आना चाहिए थोड़ा। चलिए तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रिज्म है ये हमारा, प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने माने, उस पर रे आके इंसिडेंस हुई, और पहले प्रिज्म के अंदर जाएगी रे, तो ग्लास के अंदर जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, तो रे ने बेंड किया टुवर्ड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर मान लेते हैं। फिर जो रे जाएगी वो जाके दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, और दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद इस बार वो ग्लास से एयर की तरफ को आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो रे हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है, रे हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। ठीक है, तो रे हमारी फिर बाहर निकल गई यहाँ पे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो जिन दो सरफेस पे रे टकराई और इमर्ज करी, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, इसमें एंगल तीन होंगे ना आपके, एंगल तो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अगर रे मान लो यहाँ टकराई और यहाँ से बाहर निकली, तो इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। फिर उस केस में हम इसका एंगल देखेंगे कितना दिया हुआ है, इसको मान लो बी मान लो या सी मान लो, तब हम इसको लेंगे एंगल को। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारी रे कहाँ पे टकराई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक्चुअली जब यहाँ से रे टकराई तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई माना, और यहाँ से बाहर निकल जाएगी फाइनल रे, ये आपने आई माना और ये आर माना मान लो। अब आप एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो आप क्या करते हो, दोनों तरफ से रे भेजते हो। आप पहले आप यहाँ से ट्राई करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ये आई चेंज करोगे, डिफरेंट डिफरेंट आई चेंज करोगे, और आप ये मेजर करोगे कि एंगल कितने आ रहे हैं मेरे, जो ये रे बाहर निकल रही किस किस एंगल पे निकल रही है। तो आप सारे एक्सपेरिमेंट पहले इस साइड से कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस साइड से एक्सपेरिमेंट करोगे, आप इस साइड से रे भेज के देखोगे कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट आई के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्चुअली आप दोनों तरफ से करते हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जनरलाइज, जब हम एंगल मानते हैं यहाँ पे, मान लो मैं रे एक तरफ से भेज रहा हूँ, एक ही तरफ से भेज रहा हूँ, तो मैं जो साइन कन्वेंशन बनाता हूँ, ये रे यहाँ से आई, ये मेरा नॉर्मल, ऐसे एक नॉर्मल ये फिर जाके यहाँ टकराई, यहाँ पे नॉर्मल, और ये रे फाइनली अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, तो ये बेंड कर गई यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता हूँ आई, मैं इसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखता हूँ आई, क्योंकि मैं एक बार एक्सपेरिमेंट यहाँ से करूंगा बाद में, तो मैं इसे आई टू मान लेता हूँ, इसे आई वन मान लेता हूँ, ऐसे मैं इसे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर वन लिखता हूँ। तो यूजली हम ऐसे लिखते हैं, आर वन आर टू है ना, इसे आर वन मानते हैं, इसे आर टू मानते हैं, लिखते हैं, मानते तो नहीं होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये ओ मान लो, यहाँ पे नॉर्मल आपस में मिल रहे हैं, ये नॉर्मल, ये एंगल हमारा ओ हो गया। ठीक है, ये आपके परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया पूरे का पूरा, और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया पूरे का पूरा, जो इधर वाला नॉर्मल बनाएगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा आपका। ओके ओके, तो अब इस प्रिज्म में आप देखिए, जो रे आपकी पहले केस में देखिए, आपके रे पहले ऐसे जा रही थी, कैसे ऐसे, और ये बेंट हो गई इधर को, तो इसमें इतना डेविएशन आया, इतना डेविएशन आया एंगुलर डेविएशन, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वन, ये मेरा एंगल डेविएशन कितना है, डेल्टा वन। फिर मैं अगर अगले केस में देखूं, तो अगले केस में मेरी रे जो है जो जा रही थी, अगले केस में अगर मैं देखूं, मेरी अगले केस में रे जा रही थी, वो जा रही थी इधर को, और वो इधर को जा रही थी, मैंने मैं अगर बाहर निकालू उसको आर वाली को, तो ये इधर को जा रही थी और ये इधर को बेंट हो गई, तो दिस इज माई डेल्टा टू, दिस इज माई डेल्टा टू। ठीक है, इस डेल्टा टू को हम लोग अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करता हूँ, मान लो इस वाली रे को, तो ये जो डेल्टा टू होगा एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा इमरजेंट रे और जो अंदर से रे जा रही थी इनके बीच का एंगल है ये एक्चुअली डेल्टा टू। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी मेरा कितना होगा, डेल्टा टू होगा, ये एंगल भी कितना आएगा, डेल्टा टू। ये बात समझ में आ रही है, एंगल डेल्टा टू आएगा।
डेल्टा टू आएगा एंगल, यस या नो सर? थोड़ा डायग्राम, डायग्राम बड़ा बनाते हैं और बड़ा तो एकदम ताकि बिल्कुल साफ हो जाए डायग्राम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको बहुत क्लियर होना जरूरी है। इंसिडेंट रे ज्यादा नहीं आते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा नीचे बनाते हैं। जाके इंसिडेंट रे, अरे ये पेन बड़ा बढ़िया है, इधर कोई मूव करा दो, चलो इधर टका देते हैं। इंसिडेंट रे थी ये जो है ऐसे निकलती, लेकिन ये बेंट हो गई ऐसे, जाके टकराई यहाँ पे, यहाँ पे टकराई, तो ये रे ऐसे निकलती मेरी, है ना? अबे बेंट हो गई ऐसे, बेंट होके ये ऐसे निकलती, ये पैलेट का सरफेस नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे है, अरे मामा कुछ एंगल पे, तो ऐसे निकलती, लेकिन एक्चुअली किधर को निकली? इधर को, एक्चुअली किधर को निकली? इधर को। तो मैंने ये बोला कि इस केस में मेरा ये डेल्टा वन है और ये जो है डेल्टा टू है, डेल्टा वन है ये डेल्टा टू है, ठीक है? अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, इस वाले रे को मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, तो अगर ये डेल्टा टू है तो ये भी डेल्टा टू होगा, अब क्लियर हुआ? अपोजिट एंगल है बिल्कुल टू लाइन के, तो ये मेरा डेल्टा टू होगा, ठीक है? और अगर मैं टोटल डेविएशन देखूं, टोटल डेविएशन, तो मेरी इंसिडेंट रे ये थी इनिशियली और फाइनल इमरजेंट रे ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये है, तो मैं इसे डेल्टा बोल सकता हूँ, दिस इज माई टोटल डेविएशन इन द रे, इसे मैं डेल्टा बोल सकता हूँ, टोटल डेविएशन इन द रे, ठीक है? अब मैं इस ट्रायंगल को अगर देखूँ, तो ट्रायंगल मान लो मेरा पी, मान लेते हैं उसे, इसे रे को हम के एल एम एन ऐसे मान लेते हैं, के एल एम एन, ये ए बी सी है। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, जो पी ट्रायंगल पी एल एम, मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंटरनल अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम इस एंगल के बराबर होता है ना, ये हमें पता है इनका सम इसके बराबर होगा। तो इस केस में क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू लिख सकता हूँ? यस सर, इस ट्रायंगल को देखूं, है ना, लिख सकता हूँ। दूसरा जो है अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैंने ये यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बनाया था, ये मेरा नॉर्मल था, और नॉर्मल से मैं अगर निकालूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, एल को नीचे ले लेते थोड़ा सा, नीचे आ रहा है तो नीचे ले लेते इसको, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है? और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो नॉर्मल से जो मेरी रे गई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन मान लेता हूँ, आर वन है, ठीक है? तो क्या मैं इस साइड पे ये लिख सकता हूँ कि आई जो है इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन है, या फिर डेल्टा वन जो है वो आई वन, इसको आई वन मानते हैं, माइनस आर वन है, क्या ये सही, ये बात सही है, लिख सकता हूँ, करेक्ट है? यस सर, ओके। तो एक मेरा ये निकल के आया, ऐसे में जब इस सरफेस पे देखूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल फ्रॉम हियर और इनको मिला देता हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओ। अब मैं इस साइड को अगर देखूं तो मेरा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो नॉर्मल के साथ जो है ये है, इसको मैं आई टू मान लेता हूँ, आई टू, ठीक है? और ये आई टू है और
इसको मैंने आर वन मान लेता हूँ, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, इसको मैं नॉर्मल के साथ आर टू मान लेता हूँ। इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस केस में मैं लिख सकता हूँ आई टू माइनस डेल्टा टू इक्वल टू आर टू, आई टू माइनस डेल्टा टू इक्वल टू आर टू। आई होप ये भी सबको क्लियर हुआ कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो डेल्टा टू आ रहा है यहाँ से आएगा आई टू माइनस आर टू, तो ये मेरा डेल्टा वन आया और ये मेरा डेल्टा टू आया। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? क्लियर है ना? तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, यानी कि आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। ये डेल्टा होगा मेरा, ठीक। अब देखो, अगर मैं एक पूरा रेक्टेंगल कंसीडर करूं, एक पूरा रेक्टेंगल कंसीडर करूं, रेक्टेंगल तो नहीं बने, क्वाड्रिलेटरल एक बनेगा आपका जो ए, और यहां पे क्या है एल। अगर मैं ए एल ओ एम इसको कंसीडर करूं पूरे रेक्टेंगल को, तो क्या होगा? इस रेक्टेंगल में आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री एंगल है, आपका जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, जो आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, जो पता है मेरा ये एंगल तो 90 डिग्री है, और इधर भी एंगल 90 डिग्री है ये वाला, इन दोनों का सम तो हो जाएगा 90 और 90 हो जाएंगे तो एंगल, और चारों का सम कितना होता है मेरा 360 होता है, चारों एंगल का सम मेरा 360 होता है। तो आई कैन राइट दैट कि मेरे एंगल ए प्लस एंगल ओ का सम कितना होगा, कितना होगा एंगल ए और एंगल ओ का सम, पूरे का 360 था, 360 में से 290 चले गए, 360 में से जब 290 चले जाएंगे तो मेरा सम कितना बचेगा, 290 चलेगा तो 180 चलेगा, मतलब तो कितना बचा सम 180। तो कैन आई राइट एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम मेरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब और थोड़ा सा देखो क्या क्या बन सकता है आपका रिलेशन, और थोड़ा सा रिलेशन देखो क्या क्या बन सकता है। एंगल ओ क्या है मेरा, एंगल ओ मेरा ये है, एंगल ओ जो मेरा एक्चुअली है, इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा, ट्राइंगल एल ओ एम, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं देखूँ ये वाला, तो आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ जो है 180 डिग्री है, ट्राइंगल के सम है ये 180 डिग्री है, इसका मतलब जो एंगल ओ है एक्चुअली वो 180 माइनस आर वन प्लस आर टू, एंगल ओ जो है उसके बराबर है, एंगल ओ जो है इसके बराबर है। तो अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं वन और टू को, देखो अगर मैं इनको ध्यान से, यहाँ पे एंगल ओ कितना आ रहा था मेरा 180 माइनस एंगल ए, इससे मेरा क्या निकल के आ रहा है, एंगल ए जो होगा मेरा वो आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा, एंगल ए मेरा जो है आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा, इसको ए लिखते हैं एंगल में, सीधा ए लिखते हैं, आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा, ठीक है। ये जो आपके ये एंगल आ रहा है आर वन, जो पहला रिफ्लेक्टिंग एंगल है और जो दूसरा इंसिडेंट एंगल है, उन दोनों का सम मेरे एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो आप ज्योमेट्री वगैरह यूज करके हमें ये सब निकालना है कि ये सब बराबर होंगे आपस में, ये सब होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालना क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पस है क्या यहाँ पे निकालने का, तो देखते हैं हमारा पर्पस था क्या यहाँ पे। हमारा पर्पस था यहाँ पे कि हम जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकाल पाए बाय यूजिंग डिफरेंट, हम डिफरेंट एंगल पे रे को इंसिडेंट करें और उसके इंसिडेंट एंगल को मेजर कर लें, आई वन को और आई टू को मेजर कर लें, और ऐसे बार बार मेजर करके हम म्यू निकाल लें कि हमारे प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो हम निकाल लेंगे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें निकालना था एक्चुअली कि म्यू कितना है, ठीक है।
आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे जब आप आई को चेंज करोगे बार बार, तो आपका ग्राफ जो है आई वर्सेस डेल्टा का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपका आई जब आई को बढ़ाओगे तो आपका डेल्टा जो है घटना शुरू होगा, पहले वो घटेगा, घटते घटते पॉइंट पे मिनिमम होगा और उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू होगा। एंड दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपका जो डेल्टा यहाँ पे कम आएगा उसको हम बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा है वो मिनिमम आ रहा है इस केस में, और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस केस में एक्चुअली क्या होता है, इस केस में आपका आई वन और आई टू दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से आ रहा था आपका ये वाला और एंगल ऑफ इमरजेंसी जो फाइनल आ रहा था, दोनों बराबर हो जाते हैं और आपकी रे जो होती है वो बेस के पैरेलल हो जाती है, जो बेस आपका बीसी है यहाँ पे इससे पैरेलल पास हो जाती है आपकी रे। ठीक है, इस केस में आपका, सॉरी, इस केस में आपका डेविएशन इज मिनिमम, इस केस में आपका डेविएशन इज मिनिमम, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है, आई वन इक्वल टू आई टू, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई वन इक्वल टू आई टू हो जाता है और रे आपके बेस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको मिनिमम डेविएशन कंडीशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेवी, या इसको मिनिमम डेविएशन बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने इससे जो है डेल्टा की वैल्यू ली, प्रैक्टिकली पैरेलल होगी ना? बेस के पैरेलल। क्या बोलना चाह रहे, क्या बोल रहे हो? सर रिफ्रैक्टेड रही तो बेस की पैरेलल होगी ना? जो, हाँ, जो बीच में नहीं रिफ्रैक्टेड, नहीं ये वाली रे, ये जो है अंदर वाली, जो इसके अंदर प्रिज्म के अंदर तो वो रिफ्रैक्टेड ही तो है चल सर। रही है जो, हाँ मैंने रिफ्लेक्टेड है और फाइनली रिफ्लेक्टेड तो ये है वैसे, जो मैंने मुझे पहली तो बार सारा रिफ्लेक्ट होगी, जो मैंने प्रिज्म के अंदर पता घुसेगी। अच्छा चलो ठीक है यार, इमरजेंट की तो स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्टेड ही तो है वो, भाई दो बार रिफ्लेक्शन हुआ तो रे निकल गई है ना, केस तो उसी का है। ये तो ऐसे हो गया कि मिठाई और गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन ये स्पेशल केस ऑफ मिठाई, सर, टेस्ट तो अलग हो जाएगा और चीजों से। अरे तो अगर मैं बोलूँ कि गुलाब जामुन, आप क्या बोलोगे, मिठाई नहीं है गुलाब जामुन, तो अलग चीज है, गुलाब जामुन मिठाई नहीं है आप क्या बोलोगे? हाँ यस सर, गुलाब जामुन मिठाई है। तो रिफ्रैक्टेड तो एक जनरल केस हुआ, मैंने बोला कि रिफ्रैक्टेड एक बार यहाँ से कि एक बार यहाँ से, और एक आपने बोला इमरजेंट, इमरजेंट एक स्पेशल केस हुआ कि आपने इस प्रिज्म में ऐसे मान लिया कि इमरजेंट रे है ना, तो रिफ्रैक्टेड एक ही बात है, टर्मिनोलॉजी में इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा। चलो जो भी है, अब हमारा जो मेन पर्पस है वो देखो क्या है, हमारा पर्पस है म्यू निकालने का, तो हम म्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, म्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है म्यू निकालने के लिए हमारा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है, एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन, हमने देखा कि आई वन इक्वल टू आई टू हो जाता है हमारा, आई वन इक्वल टू आई टू हो जाता है। अब मान लो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे दोनों सरफेस पे, यूजिंग स्नेल लॉ इन फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस पे लगाते हैं, सर R1 R2 भी बराबर हो जाएगा। बराबर आ रहा है, यस बराबर आएगा। सरफेस वन एंड टू अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा, हमारा पहले रे आ रही है बाहर से, तो हम लगाएंगे यहाँ पे वन इंटू साइन आई वन इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, तो वन इंटू साइन आई वन इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन, ऐसे ही हम सेकेंड सरफेस पे जब लगाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू इंटू साइन, वहाँ पे हमने शायद आर टू माना है, आर टू माना है और बाहर वाले को आर वन माना है, वन इंटू साइन आई टू, और आई वन आई टू आपके बराबर हैं, आई वन आई टू बराबर हैं आपके, तो यू कैन राइट दैट
दिस इंप्लाई दैट म्यू इनटू साइन आर वन इक्वल टू म्यू इनटू साइन आर टू दिस इंप्लाई दैट आर वन इक्वल टू आर टू तो हमारे आर वन भी बराबर है आपस में और आई तो बराबर थी तो हमारा अब केस थोड़ा थोड़ा इजी होता जा रहा है हमारा केस थोड़ा थोड़ा इजी होता जा रहा है ठीक है डेल्टा जो मिनिमम मेरा जो डेल्टा आता है डेल्टा मिनिमम जो मेरा आता है वो कितना आता है मेरा मैंने डेल्टा मिनिमम निकाला था ये निकाला था मैंने आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू ठीक है और मैंने ये भी निकाला है कि आर वन प्लस आर टू मेरा क्या है ए के बराबर है आर वन प्लस आर टू क्या है ए के बराबर है मैं यहाँ निकाल चुका हूँ ये तो यानी कि ये क्या हो गया इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए आई वन प्लस आई टू माइनस ए डेल्टा मेरा इसके बराबर होगा ठीक है जो डेल्टा मिनिमम होगा वो हो जाएगा 2i माइनस ए क्योंकि इस केस में i1 i2 तो बराबर है आपस में तो मेरा i कितना आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू डेल्टा प्लस a बाय 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से डेल्टा मिनिमम है ना डेल्टा नहीं डेल्टा तो बहुत सारे हैं डेल्टा मिनिमम बाय 2 ये मेरा आ गया दिस और आपको यहां से पता है कि r1 plus r2 जो है a के बराबर है r1 plus r2 इक्वल टू a और ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो वी कैन राइट दैट आर इक्वल टू ए बाई टू आर हमारा ए बाई टू है अब अगर मैं इन दोनों का यूज करूँ आई और आर का और इसमें से लगाऊँ किसी भी सरफेस पे तो आई कैन राइट दैट वन इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर यानी कि वन इंटू साइन आई की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए बाई टू तो यहाँ से जो मेरा म्यू आएगा दिस इंप्लाई दैट म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपको याद रखना है दिस इज माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मुझे एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए और एक मुझे चाहिए डेल्टा मिनिमम ठीक है तो ये मेरा म्यू आ गया यहां से मैंने म्यू निकाल लिया ठीक है इसमें आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए एक तो पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे आर वन मानना है किसको आई वन मानना है फिर उसको दोबारा वहां पे आर वन आर टू फिर इनमें आपस में रिलेशन कौन कौन से ट्राइंगल आप देखोगे एक्सटर्नल एंगल कौन है वो सब क्लियर हो गए तो आप ये सब निकाल सकते हो रिलेशन तो आपको ये सारे रिलेशन निकालने पड़ेंगे फिर आपका ए इतना है डेल्टा आपका इतना है ठीक है ये सब निकाल सकते हो फिर स्नेस वगैरह लगाओगे तो ये सब निकलेगा फाइनली आपका जो रिजल्ट आया वो ये आया क्लियर सबको क्लियर हुआ यस सर हो गया क्लियर अच्छा नोट कर लिया ना आगे चले यस सर कर लिया मान लो थिन प्रिज्म है थिन प्रिज्म मतलब होता है कि आपका ऐसा प्रिज्म है जिसमें कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल थिन प्रिज्म ए इज इसका मतलब होता है ए इज स्मॉल ए इज वेरी वेरी स्मॉल तो ये आपका स्मॉल है ठीक है अब इसमें क्या होगा आपका कि आपको पता है डेल्टा तो आपका कोई फॉर्मूला बनेगा आई वन प्लस आई टू माइनस ए इसमें तो क्या होगा जब आपका मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा स्मॉल है इफ आई इज स्मॉल
आई इज स्मॉल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो मैंने आई भी स्मॉल ले लिया, आर भी स्मॉल होगा, मैं सारे स्मॉल स्मॉल ले रहा हूँ, आर इज ऑल्सो स्मॉल, आर इज ऑल्सो स्मॉल, तो क्या होगा फिर उस केस में, उस केस में क्या होगा अगर स्मॉल है सारे, उस केस में आपका इसमें लॉ है साइन आई वन इंटू वन, बाहर से जो रे आई थी म्यू इंटू साइन आर वन लिखा था आपने, तो अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो वी कैन राइट दैट एंगल आर वेरी स्मॉल, तो वी कैन राइट दैट साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू म्यू आर वन, आई वन इक्वल टू म्यू आर वन ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई टू इक्वल टू म्यू आर टू, आई टू इक्वल टू म्यू आर टू, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं ये तो पता है कि हमारा जो है आर वन आगे आर टू होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा हमें पता है कि जो हमारा म्यू होगा, म्यू क्या था हमारा, म्यू था हमारा साइन ए प्लस डेल्टा बाय टू डिवाइड बाय ए बाय टू, अब यहाँ पे सारे एंगल स्मॉल हैं, सारे एंगल अगर स्मॉल हैं तो इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ सिंपली, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस डेल्टा बाय टू डिवाइड बाय ए बाय टू स्मॉल एंगल उसके लिए, है ना। इस केस में एक्चुअली जो आपका डेल्टा आएगा वो भी बहुत स्मॉल आएगा, तो अगर मैं इसको देखूँ सॉल्व करूँ तो म्यू आपका आ रहा है साइन ए प्लस डेल्टा बाय टू बाय ए बाय टू, तो म्यू आपका जो आएगा वो आएगा ए प्लस डेल्टा डिवाइड बाय ए, यानी कि वन माइनस वी कैन राइट इट्स, या फिर इसमें ए प्लस डेल्टा ही वैल्यू से ए को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा म्यू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, एंड वी कैन राइट डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, तो मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में आएगा फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए, केवल ये केस कब है स्मॉल प्रिज्म के लिए, हर केस के लिए नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन इज, एंगल ऑफ डेविएशन इज म्यू माइनस वन इंटू ए, मेरा ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ये सारे केसेस में आ सकते हैं अगर मेरा दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर मेरा ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह स्मॉल है, तो वी कैन राइट दिस थिंग्स, ठीक है। तो फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए हम ये यूज कर सकते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, और ये डेल्टा आपका जो है अगर हम इस केस में देखें तो ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। तो ये केस भी कई बार आया था फिर प्रिज्म के लिए रिलेशन क्या होगा, तो आपको वहाँ पर म्यू दे देगा ए दे देगा, एंगल बहुत छोटा होगा 6 डिग्री 5 डिग्री आपसे पूछेगा कि बताओ कितना होगा, उस केस का निकाल सकते हो कितना होगा, ठीक है। ये हमारी जो थ्योरी है ये थिन प्रिज्म के लिए, जो थ्योरी हमने पढ़ी है दिस इज फॉर द थिन प्रिज्म, ओके। अब देखो प्रिज्म में हमने जो फॉर्मूले सारे निकाले हैं इनको अप्लाई कैसे करेंगे, जो सारे फॉर्मूले हमने निकाले हैं इनको अप्लाई कैसे कैसे करेंगे इसको देखना है। चलो 15 मिनट है हमारे पास, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। एक बार आप सारा थ्योरी देख लो शुरू से, यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, रिलेशन देखो क्या क्या आ रहा है, ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, डेल्टा हमारा ये आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, और आर इक्वल टू, ये तो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन आ गई, अब ये केवल मिनिमम डेविएशन में होगा ऐसे आपका, ये सब ये होगा, ये होगा, और ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन ये कह रहा है, नीट का क्वेश्चन है, कह रहा है लाइट इंसिडेंस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई ए सॉरी, ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म, रे इंसिडेंस एंगल कितना दिया हुआ है,
इसको डाला हमने प्रिज्म पे, प्रिज्म का जो एंगल है वो ए है, प्रिज्म का एंगल क्या है ए, और ये बहुत स्मॉल है, एज्यूम टू बी स्मॉल। इट इमर्ज, जो रे है, रे इमर्ज नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली फ्रॉम अपोजिट फेस, फ्रॉम अपोजिट फेस, ठीक है। इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म का म्यू है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो निकालो। सर फर्स्ट ऑप्शन म्यू ए, लेट मी चेक, लेट मी चेक, प्रिज्म, प्रिज्म 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 म्यू टाइम्स ऑफ ए। ए ऑप्शन, यस दोनों का करेक्ट है, ए इज द आंसर। सर यही था क्वेश्चन। यही था क्वेश्चन मतलब। सर नीट 2020। अच्छा ये क्वेश्चन आया था, यस सर। ये पहले भी नीट में आ चुका है 2012 में। यस सर। तब सर सीपीएमटी का था। नहीं सीपीएमटी तो हम इसको बोलते थे, क्या नाम बोलते हैं, एआईपीएमटी बोलते थे, सीपीएमटी इसको बोलते थे, उत्तर प्रदेश वाले का होता था अलग से एग्जाम, उसको सीपीएमटी बोलते थे। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे करना है। यस सर वही म्यूज कर्ल 2 sin डेल्टा प्लस के ए अपॉन 2 अपॉन sin A/2 और इमरजेंट एंगल 0 हो जाएगा। इमरजेंट का एंगल 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं आंसर, सर इसमें कॉन्सेप्ट की बात ये है कि इसमें डेल होगा वो मिनिमम होगा। डेल जो है मिनिमम होगा, आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा कैसे किया बताओ आपने, क्या बोलना चाहिए। सर पहले तो मैंने डेल इज इक्वल टू आई प्लस का ई माइनस का ए किया, फिर ये होता है, हाँ ठीक है, सर क्या कहते हैं आई टू तो 0 हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू आई वन माइनस ए हो जाएगा।
फिर सर वो म्यू का फॉर्मूला लिखा, म्यू इक्वल क्या लिखा? टू साइन ई प्लस के डेल। सर म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस के डेल मिनिमम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाय टू। फिर सर इसमें डेल की वैल्यू पुट कर दी और अच्छा साइन थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख लेंगे ओनली, सही हो जाएगा। ओके ठीक है। इसमें डेल मिनिमम माना है आपने क्या? ठीक है, I1 माइनस A ये आपका डेल है, तो आपका डेल I1 बाई A आएगा। ओके, इमरजेंट रे जो है नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसा केस बन रहा है निकल के और ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस में। देखिए इसमें हमें श्योर है ये डेल जो होगा वो डेल मिनिमम होगा, ऐसा कोई पता चल रहा है? और किसने निकला था आंसर? आयुष ने निकला था? यस सर। आपने कैसे निकाला सर R2 तो 0 होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म R1 के इक्वल है, और फिर μ1 की फॉर्मूला में पुट कर दिया। था? R2 0 है इसमें तो ये है, ठीक है। फिर क्या किया? I1 इज इक्वल्स टू म्यू इनटू R1, तो R1 की वैल्यू A आ जाएगी। I1 इक्वल टू ये हुआ, तो यहाँ से I1 हमारा आया म्यू इंटू ए, है ना, क्योंकि यहाँ से हमारा A इक्वल टू R1 आ गया था। तो यहाँ से आपने I1 स्मॉल प्रिज्म थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म के केस में आप ये ले सकते हो इक्वेशन। तो ये लोगे तो आपका ये आ जाएगा म्यू ए, ठीक है। तो फिर आपका यहाँ पे पुट कर दिया होगा आपने, क्या पूछा था, आई पूछा था आई इक्वल टू म्यू, फिर तो आई गया आपका, आई तो पूछा था उसने, तो ए आ जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। तो दिस वाज द बेटर अप्रोच, ठीक है। इससे नहीं होगा क्योंकि इससे तो फिर हमें नहीं पता कि डेल्टा मिनिमम है या नहीं है। इस केस में से डेल्टा मिनिमम लग रहा है आपको, होगा ये डेल्टा जो है। सर हमने इसी वाले फॉर्मूले से तो थिन प्रिज्म का डिराइव किया था, तो अगर हम वही फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो वो तो आ ही जाएगा ना। ओके, देखो इसमें हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है, क्या ये मिनिमम के लिए है या नॉर्मल केस सब केस के लिए? ये सबके लिए है डेल्टा वाला, इसमें कोई हमने मिनिमम का केस नहीं दिया ना, ये तो सबके लिए होगा। डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, है ना, बोलते जाओ फटाफट। जो डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए हमने निकाला था, यहाँ से निकाला था ना, तो इससे तो हमने अभी वो थोड़ी लिया है हमने यहाँ पे कि मिनिमम वाला केस है, समथिंग ऐसा केस थोड़ी लिया। यस तो ये तो हर केस के लिए वैलिड है, चाहे मिनिमम हो या ना हो, सर, पहली ये सब। बात डेल्टा मिनिमम ही होगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मिनिमम ही होगा, क्योंकि सर इमरजेंट रे पैरेलल गई है तो वो बेस के भी तो पैरेलल जाएगी, बेस के पैनल कैसे हो जाएगी? क्योंकि सर थिन लेंस माना है हमने फुल फुल। अरे नहीं, तो इतना पहले थोड़ी होगी, थिन लेंस होगी तो अगर थोड़ा सा भी एंगल का फर्क होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसलिए मान लो कि एंगल आपको पता ही चल रहा, बहुत ऐसा नहीं होगा। अगर ये ऐसे सर गई है वैसे तो मान दोनों लो, तरीके अच्छे हैं, मैंने आपका भी देख लिया, मैं अपने अपना भी देख लिया, आयुषी का भी देख लिया, दोनों सही लगे। आयुषी का बहुत थोड़ा सिंपल था। लेकिन अभी देखो तो अपने जो आप एजम्पशन मान रहे हो सही भी मान रहे हो गलत मान रहे हो, पहले सारे एजम्पशन देख लो। यहाँ पर डेल्टा जो है I1 प्लस I2 जो है जनरल केस में आया था, ठीक है। ये वाला जो केस आया था ये क्या डेल्टा मिनिमम लिया था मैं, जनरल केस लिया था A इक्वल टू R1 प्लस R2। A इक्वल टू R1 प्लस R2 जो हमने लिया था, क्या ये डेल्टा मिनिमम के केस में था या जनरल केस में था? सर जनरल नो सर, ये जनरल केस में स्पेसिफिक केस है डेल मिनिमम का। नहीं, स्पेसिफिक का है ये, हमने यहाँ से तो लिया था, तो ज्योमेट्री बना के लिया था हमने। हमने क्या बोला था, पूरे रेक्टेंगल में एंगल 360 डिग्री है, पूरे रेक्टेंगल में 360 डिग्री है, तो हमने क्या लिया था यहाँ से, तो लिए R1 प्लस R2 जो होगा, और प्लस ये एंगल जो है 180 है, ये तीनों एंगल का सम 180 आया था, और इन दोनों एंगल का सम भी 180 आएगा, ये एंगल मान लो थीटा है,
थीटा प्लस ए भी 180 होगा क्योंकि ये बाकी दो परपेंडिकुलर थे यहाँ पे, तब यहाँ पे हमने उसका कंडीशन थोड़ी लिया हमने कि ये मिनिमम का कंडीशन लिखा, तो जनरल केस के लिए ड्राइव किया हमने, तो दिस केस इज ऑल्सो फॉर द जनरल केस, ये मिनिमम का केस नहीं है, ये दिस इज ऑल्सो जनरल केस, ये भी जनरल केस है, ये भी जनरल केस है, और ये जो केस है ये आयुषी ये जनरल है या बाकी लोग क्या लग रहा है, जनरल केस था या मिनिमम वाला केस है? सर वैसे तो हमें जनरल लग रहा है अगर हमें डेल मिनिमम पता हो तो। नहीं डेल मिनिमम नहीं पता मान लो, फिर ये हमने कहां से निकाला था, स्नैप सोर्स निकाला था ना तुमने? सर यही तो पूछ रहे हो, म्यूचुअल टू साइन ए प्लस की साइन, मैं ये वाला नहीं, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, आई इक्वल टू म्यू आर वन, आई वन इक्वल टू म्यू आर वन, ये फर्स्ट जनरल है कैसे, क्योंकि इसमें आपने एंगल ऑफ फ्रिंज बहुत छोटा माना है। लेकिन मैं डेविएशन मान लो, मैं कह रहा हूँ मैंने मिनिमम डेविएशन वाला केस है या कोई भी जनरल केस है, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, मैं ये नहीं पूछ रहा कि एंगल छोटा है या वो है, मैंने मैं कह रहा हूँ कि केवल मिनिमम डेविएशन के केस में होगा या किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में वैलिड होगा ये, ये तो स्नेल्स लॉ से आया है ना, स्नेल्स लॉ से तो आया था, वैसे हमने क्या किया था यहाँ पे, मैं लिखा था वन इक्वल टू दिस, हमने ये लिखा था, फिर हमने बोला कि एंगल बहुत स्मॉल है तो हमने ये मान लिया, हमने ये भी बोला मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है इसलिए हमने ये मान लिया, स्नेल्स लॉ तो हमेशा वैलिड होगा, और आपका अगर एंगल स्मॉल है तो ये भी हमेशा वैलिड होगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आपका जनरल फॉर्मूला है, ये भी जनरल है, ये भी जनरल है, मैंने एंगल ये मिनिमम डेविएशन के केस में नहीं है ये, हर सर केस सब केस में वैलिड है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो तीनों फॉर्मूले हर केस में वैलिड है, तो आपने जो यहाँ से ड्राइव किया है फिर आपका फिर यहाँ से निकल के आ गया दिस इक्वल टू दिस और उससे आपका आंसर ए आ गया, तो आपने जो ड्राइव किया है क्या ये मिनिमम डेविएशन के लिए ड्राइव किया है जनरल के लिए ड्राइव किया है? जनरल के ड्राइव किया, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि डेविएशन इज मिनिमम, डेविएशन मिनिमम होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हमें जब तक पता ना हो कि ये मिनिमम डेविएशन है, तो मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता इस फॉर्मूले को, समझ में आया? इस फॉर्मूले को मैं तब तक नहीं लगा सकता, मैंने लगा तो सकता हूँ लेकिन मेरे को डेल्टा मिनिमम पता होना चाहिए ना, फिर डेल्टा मिनिमम है कितना, अभी ये डेल्टा आप बोलो कि ये डेल्टा डेल्टा मिनिमम है तो मुझे नहीं पता ये डेल्टा डेल्टा मिनिमम है भी या नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ नहीं डाल सकता, क्लियर क्लियर है, ये जो आपके फॉर्मूले हैं हाँ, ये जो डायग्राम है एक बार दोबारा बना लेना, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे से, एक बार डायग्राम बना लेना और देख लेना हमने कहाँ कहाँ पे मिनिमम डेविएशन कहाँ से शुरू हुई है कहानी, यहाँ से शुरू हुई है मिनिमम डेविएशन की कहानी, इससे पहले जो भी है वो सब हर केस के लिए वैलिड है, ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना, राइट, ठीक है, ओके सर, यहाँ पे डेल्टा जो है आई वन प्लस आई टू अगर आप लिखते माइनस क्या लिखते हो आप यहाँ पे पीछे आपने क्या ड्राइव किया था, मैंने सही लिखा था ना यहाँ पे आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये जो फॉर्मूला बना था हमारा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के, और यहाँ से भी अगर आप निकालोगे तो यही आएगा म्यू आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू आपका ए के बराबर होता है तो म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये केवल मिनिमम डेविएशन के लिए नहीं है, ये ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला को देख लेगा सारे फॉर्मूला ध्यान से और कल फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं प्लीज नंबर कुछ को, ठीक है, आप एक बार खुद ड्राइव करना, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि सब लोग जो एक बार खुद ड्राइव करें इसको, ठीक है, कल कल कंटिन्यू करते हैं फिर, राइट सर, यस बोलिए, सर इस केस में जो हमने डेल्टा निकाला है ये तो मिनिमम वाले के लिए है ना? नहीं, ये किसी भी केस जनरल केस के लिए है डेल्टा, सर नहीं थिन प्रिज्म वाले में जो निकाला है, हाँ ये थिन का ही तो है, ये जो हमें थिन का ही तो निकालना है,
सर लेकिन हमने यहाँ पे तो इसे मिनिमम वाले से डिराइव किया था ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, म्यू इक्वल टू ए प्लस मिनिमम, तो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम, अगर आपने बोला एंगल बहुत स्मॉल है तो ये डेल्टा मिनिमम होगा, तो ये डेल्टा मिनिमम होगा, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा मिनिमम, और ये बनेगा डेल्टा मिनिमम। इससे ये आ रहा है कि डेल्टा मिनिमम जो होगा वो म्यू माइनस वन इंटू ए होगा। डेल्टा मिनिमम मैंने एक पर्टिकुलर एंगल, वो कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू ए, तो होगा ही, क्योंकि डेल्टा मेरा जो है, इस कोई भी डेल्टा मेरा जो आ रहा है वो म्यू माइनस वन इंटू ए है। जब डेल्टा मिनिमम आएगा तो वो भी म्यू माइनस वन इंटू ए आएगा। समझ में, डेल्टा मिनिमम तो एक स्पेशल केस हुआ जब आपका ग्राफ यहाँ पहुंचेगा नीचे, और डेल्टा तो कोई भी जनरल केस है, यहाँ भी डेल्टा हो सकता है, यहाँ भी डेल्टा हो सकता है, यहाँ भी डेल्टा हो सकता है, यहाँ भी डेल्टा होगा। जनरल, ये फॉर्मूला जनरल है, चाहे मिनिमम हो या ना हो। अब मिनिमम वाला है, उसका स्पेशल केस है, तो मिनिमम वाला भी फॉलो करेगा उसको, इसको तो फॉलो करेगा मिनिमम वाला। क्लियर ओके सर, हो गया? ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, कल फिर हम कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलो कल मिलते हैं फिर सब लोग।